नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अगर गाइस यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लर्नर लाइसेंस कैसे बनता है पूरी डिटेल में वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आई बटन में लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। लर्नर लाइसेंस जब आप यहाँ पर बनवा लेंगे, उसका टेस्ट पास कर लेंगे, उसके बाद बारी आती है यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है, उसके बाद फीस पेमेंट करना होता है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, स्लॉट बुकिंग करना होता है, सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में यहाँ पर पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ आपकी आसान भाषा में। तो गाइस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए हमारे इस चैनल को। वैसे मेरा नाम है प्रशांत और आप सबके रहते हैं प्रशांत। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइज आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर parivahan.gov.in वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसका लिंक फिलहाल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको स्टेट चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अपना यहाँ पर स्टेट चूज कर लीजिए जो भी आपका स्टेट हो। उसके बाद गाइज आपका यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको अपना लर्निंग लाइसेंस, आप इसका वीडियो मैंने पहले से बनाया था लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पर आप उसको जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुल 7 स्टेप फॉलो करने हैं, यहाँ पर आपको पूरा 7 स्टेप फॉलो करना है। यहाँ से आप देख लीजिए, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर आपको फिलअप करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। लर्निंग लाइसेंस से फिलअप करते वक्त आपको ध्यान देना है, यहाँ पर शुरू का 4 लेटर आपको लिखने के बाद यहाँ पर एक स्पेस रहेगा बीच में, जैसा कि आप यहाँ पर नीचे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कैसे आपको भरना है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस ऐसा कुछ रहेगा। ऐसा कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पर अगर आप मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर दोनों का साथ में बनवा रहे हैं तो दोनों को गाइज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर दाएं साइड कर लेना है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा आपको यहाँ पर इस तरह कर लेना है। उसके बाद सिंपली आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका यूजर इंटरफेस इस प्रकार यहाँ पर दिखाई देगा। गाइज यहाँ पर आपको सभी को यहाँ पर प्रिंट करना है, तो चलिए यहाँ पर मैं एक फॉर्म यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म 2 को यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ कैसे आपको यहाँ पर प्रिंट करना है। सिंपली आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली प्रिंट वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अपना यहाँ पर फॉर्म 2 या कुछ भी जो भी नेम देना चाहते हो अपन नेम डाल के यहाँ पर सिंपली सेव कर लेना है। इसी प्रकार गाइज यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म ए, एक्नॉलेजमेंट स्लिप पूरा यहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद गाइज यहाँ वहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपका पड़ाव पूरा हो गया। अब आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट लगेगा आपका यहाँ पर, चलिए यहाँ पर सिंपली एक बार फिर से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ और लर्नर लाइसेंस अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ के लिए गाइज यहाँ पर एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रूफ पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हो, यहाँ पर वोटर आईडी सब कुछ यहाँ पर आप दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ डिटेल भरने के बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आधार कार्ड है उसे सिलेक्ट करेंगे, सिंपली ओपन करेंगे, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप व्यू करके देख सकते हैं या आप उसके बाद कन्फर्म कर दें। कन्फर्म कर देंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड आपको देखने को मिलता है लर्नर लाइसेंस। अगर ये आपको नहीं पता है कहाँ से मिलेगा तो यहाँ पर मैंने लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किया, आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ कहीं भी रखे हों लर्नर लाइसेंस, वहाँ से आप सिंपली इसको चूज फाइल में से चूज कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना हो ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद सिंपली आप यहां पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा, आपको यहां पर बारी आती है फीस पेमेंट करने के लिए। उसके बाद गाइस यहां पर सिंपली आपको प्रोसीड पर आपको यहां पर क्लिक करना है फीस पेमेंट करने के लिए। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको फीस पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पूरी फी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मेरे केस में 1000 है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का दोनों है। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना बैंक गेटवे यहाँ पर चूज कर लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको कैप्चा फिलअप करना है, उसके बाद सिंपली आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गाइस यहाँ पर कैप्चा भरने के बाद पे नाउ पर आपको क्लिक करेंगे
तो आपका यहाँ पर पेमेंट के लिए मेथड आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर पे नाउ पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट के लिए। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरे डिटेल, ट्रांजेक्शन डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर जो ट्रांजेक्शन आई डी यहाँ पर आई है जो वो, उसको आप सिंपली आपको कहीं लिख के नोट करके लिख लीजिए। इन केस आगे कोई दिक्कत हो पेमेंट में तो आप यहाँ पर इसे कंप्लेन कर सके। उसके बाद सिंपली यहाँ पर टिक मारना है आई एग्री पर। उसके बाद सिंपली प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ वेट होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपको पेमेंट के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर गाइज आपको पेमेंट पे ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप चूज कर लीजिए जिस भी मेथड से आप यहाँ पर करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ पेमेंट, यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कन्फर्म क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो बार कन्फर्मेशन करना होगा, एक बार हो चुका है, आप फिर से एक बार यहाँ पर सिंपली कन्फर्म करना है। जैसे ही यहाँ पर आपको अपना कार डिटेल भरने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ से आपका पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा कार डिटेल भरने के लिए। तो यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम डाल दीजिएगा, कार्ड CVV नंबर डाल दीजिएगा, बगल में यहाँ पर दिया गया CVV नंबर कहाँ से डालना है आपको। उसके बाद अपना कैप्चा फिलअप करिएगा, उसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके यहाँ पर OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा कुछ देर, उसके बाद यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपका यहाँ पर पेमेंट, आपका यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुली आपका स्टेटस आपका यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आपका भी यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ पर आपको रिसिप्ट प्रिंट कर लेना, उस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है, फिर से आपको प्रिंट रिसिप्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे उस पर आपको यहाँ पर टिक लगा के कर देना है, तो आपका यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट हो जाएगा। बारी आती है यहाँ पर स्लॉट बुकिंग की। स्लॉट बुकिंग करने के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे आना है। सिंपली अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे, उसके बाद डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइज यहाँ पर आप डीएल टेस्ट पर और स्लॉट बुकिंग पर आप क्लिक करते हैं तो आपका यूजर इंटरफेस इस प्रकार आएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर की सहायता से या लर्नर लाइसेंस नंबर की सहायता से यहाँ फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पूरी डिटेल खुलकर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको अपना यहाँ पर चूज कर लेना है, आपको मोटरसाइकिल और लाइट मोटर व्हीकल दोनों आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू बुक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसी दिन सीट अवेलेबल है, रेड कलर वाले दिन नहीं है, और जो ब्लू कलर का है वहाँ पर हॉलीडे है। तो आपको अपना डेट चूज कर लेना जिस भी डेट को आप यहाँ पर रहना चाहते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं अपना जैसे 8 तारीख को यहाँ पर मैं 8 को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका बगल में टाइमिंग शो हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 12, 12:30 से यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 15 से 17 जो भी आप यहाँ पर चूज करना चाहें चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बुक स्लॉट पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इनकेस अगर OTP नहीं आता तो आपको रिसेंड कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर OTP भर के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद गाइज यहाँ पर अपना कन्फर्म टू स्लॉट बुक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपका इसको आपको प्रिंट निकाल कर रख लेना है स्लॉट बुकिंग का। सिंपली ऐसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंपली इसको आप सेव कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपको निकाल कर। गाइज देखा आपने, यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपकी भाषा में मैंने बताया कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कैसे करें, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करें, फीस कैसे यहाँ पर पेमेंट करें, यहाँ पर पूरा मैंने डिटेल में बताया, स्लॉट बुकिंग पूरा सब कुछ डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर पूरी तरह समझ में आ गया हो तो गाइज यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। और गाइज आपको यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हो गए हूँ, तो वहाँ पर भी आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बस फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक ले जाएंगे वंदे मातरम।